बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई। आज जो है हमारा जो है यहाँ अब्दुल्ला भाई के भाड़े पे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये देखो माशाल्लाह से भाई अब्दुल्ला भाई ने यहाँ भाड़े पे काम शुरू हो गया है। तो माशाल्लाह अभी जानवर वगैरह आने बाकी हैं, तो आज यहाँ प्रोग्राम रखा हमने। वो आज हम यही खाना पकाएंगे इंशाल्लाह। सामान हम सारा लाए यहाँ पे। ये वजू खाना है माशाल्लाह। अच्छी नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है माशाल्लाह से। तो ये देखो माशाल्लाह से जो है काम चल रहा है अभी बाड़े पे। ये माशाल्लाह भाई आबिद भाई क्या कहते हो इसके बाड़े के बारे में? माशाल्लाह आबिद भाई वेरी नाइस वेरी गुड। सद्दाम भाई हाँ माशाल्लाह जबरदस्त। अभी उस्ताद जो हमारा खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। आबिद भाई क्या बनाएंगे अपन? आज अपन बनाएंगे देसी मुर्गे की कढ़ाई। देसी पट्टे की कढ़ाई बनाएंगे उस्ताद बोल रहे हैं इंशाल्लाह। तो भी जो कढ़ाई बनाएंगे खा सकते हैं। पीछे से अपनी गाड़ी का हाल क्या हुआ? मिट्टी मिट्टी हो गई है यहाँ आने में। ये यहाँ जो है हम लोग जो है क्रिकेट खेलने के लिए पिच बनाएंगे यहाँ पे छोटी सी। और ये हमारा जो है पोषण बनेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे हम लोग गायें बछड़े वगैरह शायद भैंसे भी रख लें। अब्दुल्ला भाई तो कोई नहीं है उनका कुछ पता। तो ये फ़िलहाल तो भी ये इस कंडीशन पे था तो मैंने ये वीडियो बना ली। और अभी हम जो है यहाँ पे खाना बना के खाएँगे इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। तो है वेद भाई माशाल्लाह बाड़े में तशरीफ गया है। माशाल्लाह जुनेद भाई भी तशरीफ ले आए हैं अभी भी आए। वालेकुम अस्सलाम जुनेद भाई क्या हाल है खैरियत है? ये शाम का मंजर है बिल्कुल जो है सूरज ग्रुप हो रहा। अच्छा जनाब जो है यहाँ के जो है ओनर तो अभी यहाँ जुनेद भाई हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ का फ्यूचर बताएंगे वो कि क्या क्या इसमें प्लानिंग है इनके, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा ज़रा ये सब पिंजरे वगैरह ये वो सब यहाँ सेटिंग ये भी बच्चे यहाँ काम भी कर रहे थे। ये झोपड़ी है यहाँ पे जो है यहाँ उस्ताद खाना बनाएंगे। तो जुनेद भाई थोड़ा सा ज़रा ये बताएं जी। माशाल्लाह नईम भाई ये जो है तकरीबन 1000 गज की जगह है माशाल्लाह। और इसमें ठीक है हमने केज वगैरह के हिसाब से ये बनाया है जैसे कि मुर्गा मुर्गी वगैरह बकरा बकरियां ठीक है इस तरह की चीज़ें होंगी। ये थोड़ा गार्डन लुक दे रहे हैं हम यहाँ पर। ग्रासिंग वगैरह होगी इंशाल्लाह एक दो दिन में ग्रासिंग भी हो जाएगी यहाँ पर। अब ये रिसेंटली दरख्त लगे हैं यहाँ पर। इसके अलावा उस साइड पर हम बैठक वगैरह गर्मी के हिसाब से ये सारा यहाँ पर होगा ना गर्मी के हिसाब से। अभी थोड़ी देर पहले जुनेद पर यहाँ बच्चे काम कर रहे थे तो उनसे मैंने पूछा था क्या कर रहे हो तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। नहीं इसी तो अभी आपने ये जो है वो इसके अलावा ये जो है हमारा समझ लो चौकीदार रूम आप समझ लो कुछ भी
बराबर में हमने जाय नमाज बनाई है, टैंक वगैरह है, ये वॉशरूम है हमारा, वजू खाना वगैरह पूरा नमाज का प्रॉपर हिसाब है। और बस इसके पीछे जो बड़े जानवर वगैरह ये सारे दिखा देते हैं आपको, ये अभी सब पाइपलाइन में है ना, इन द प्रोसेस है ये। इंशाल्लाह आप आओगे दो महीने बाद तो देखोगे, तो अल्लाह ने चाहिए नक्शा ही बदला हुआ तो इंशाल्लाह जब यहाँ जी यहाँ सारे बड़े जानवर का इंशाल्लाह है जहन, ये पूरा पोर्शन जो है चुनीत भाई बता रहे हैं कि ये यहाँ पे इंशाल्लाह बड़े जानवर का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला बहुत जल्द इसको कामयाब करे, और इसको जैसे ही इंशाल्लाह यहाँ जानवर आएंगे तो फिर भी इंशाल्लाह आपको एक बार और विजिट कराएंगे। वो भी हम खाना बना रहे हैं तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। अभी भाई आबिद भाई आबिद भाई क्या ये बना रहे हैं अपन लोग? अच्छा नहीं ना आबिद भाई जो है ये थोड़ा सा इसमें कोई फॉल्ट नजर आ रहा था, ये शायद इसको क्लियर कर रहे हैं आबिद बाबा हमारा। ये माशाल्लाह से कोयले पे जो आज हम खाना बनाएंगे तो हमारा चूल्हा जो है वो जल चुका है, कोयले हमारे जल गए हैं। खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, यहाँ पे ऐसा लग रहा शाकिक में है। सुनीत भाई आप बना रहे हो आज खाना? नहीं ये हमारे आबिद भाई है उस्ताद, सही है माशाल्लाह। तो भाई ये हम सब मिलके जो है काम करेंगे, तो फिर जो है खाना रेडी होगा। अब्दुल्ला भाई बता दो यार क्या बना, क्या कर रहे हो, ये क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी डाली है, अभी क्या आइटम लेसन है? लेसन लिया अभी छिला लेसन लेकर आया ना देसी जी भाई, उसको पीस रहा हूँ। ठीक है अभी मुझे देंगे, क्या देंगे अभी? तो अदरक देंगे तो इंशाल्लाह। बादशाह भाई आप भी कुछ दो हर उम्र ब्रो। तो माशाल्लाह भाई हमारे शाह साहब जो है वो हमारे साथ काम में मसरूफ है माशाल्लाह। छुरी सही है आयु भाई, कौन सी भाजी बना रहे हैं आज आप? कढ़ाई बना रहे हैं आयु भाई माशाल्लाह। ये हमारा सामान जो है यहाँ तैयारी शुरू हो गई है, अदरक लहसुन और टमाटर। जी आबिद भाई टमाटर हमारे आबिद भाई ने माशाल्लाह से कटिंग कर लिए, स्लाइस कटिंग किए हैं। खीरे का कीड़ा किसके पास है? आबिद भाई क्या शुरू कर रहे हो माशाल्लाह से बनाना? तो ऑयल इसमें शामिल करेंगे पहले, आज जो है हम खाना आग लगा रहे जुनैद भाई। बहुत सा गर्म मसाला जो आबिद भाई ने फरम फोरन से डाल दिया ये अली कादरी बिरयानी, ये अदरक लहसुन की 2 चम्मच अदरक लहसुन शामिल किए हमने, 2 से 3 चम्मच आधा पाव लहसुन आधा पाव अदरक एक मिनट भाई ये बैठ जाओ।
माफ करना बेटा, भाई सफर दो चम्मच हल्दी। भाई भाई गिल ली थी 50 पे, भाई गिल ली थी। पर्दा भी लगा था भाई, बैठ के खा ले। भाई हमने अभी टमाटर शामिल करे हैं, 3 किलो गोश्त था तो ये हमने 2 किलो टमाटर इसमें शामिल करे हैं। अभी ताई माशाल्लाह, अभी क्या करेंगे, इसको ढक के छोड़ेंगे। कौन सा, ये भी यहीं का भरा हुआ है, ये तो चला नहीं रहा, हाथ रुक गया तूने। ये साथ ने मना किया, ढाई चम्मच देगी मिर्च, कपड़ा देना, वो यहाँ पे कपड़ा 2 चाय के चम्मच जो है हम कटर में शामिल किए। नमक वो इसमें नमक हम हसबे जायका शामिल करेंगे। पिछले द्वार को 2 दिन हुए तो सर्दी कम हो गई, कल से थोड़ी सर्दी हल्की हुई है। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, अभी हम थोड़ा सा हाथ ऊपर करेंगे हम। सामने आओ ना, जब आएंगे ना अपने पास टाइम की लिमिट नहीं है। ये तकरीबन हम आधे घंटे के लिए गोश्त गलने के लिए और टमाटर वगैरह गलने के लिए इसको हम ढक देते हैं। ये माशाल्लाह से वही हमारी जो है सालन की सूरत हाल देखते हैं। आबिद भाई गल गई है, तो 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको गोश्त गलने के लिए छोड़ दिया था। अभी तो आपको आबिद भाई हमारे चेक करके दिखाएंगे इंशाल्लाह इसकी बोटी गल गई है। देखो माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा गोश्त गल चुका है, तो इंशाल्लाह आबिद भाई बुनाई करेंगे। अब इसकी कब तक बुनाई शुरू कर रहे हैं, तो इसकी भाई बुनाई शुरू हो रही है। माशाल्लाह देखो क्या प्यारा रंग बना है, माशाल्लाह खूबसूरत खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने इसमें गरम मसाला शामिल किया है, ठीक है, और थोड़ी सी ये जो है खुशबू के लिए हम हरी मिर्च हमने इसमें शामिल की। तकरीबन 4 से 5 हमने हरी मिर्च इसमें शामिल की कढ़ाई में। तो वही माशाल्लाह से आज की हमारी रेसिपी रेडी है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसी बनी, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ, आप अल्लाह हाफ़िज़।